रखा हुआ है, बीच में ये रखा हुआ है, बहुत प्रिटी है। एंड हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि, हाउ यू ऑल आर डूइंग। सो वेल, आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ फिर से एक नया हॉल वीडियो। सो आज का जो वीडियो है वो है हमारे ऑक्सीडाइज बैंगल्स का, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। अभी मिंत्रा पर 23rd to 27th September सेल चल रहा था, एंड आई एम मिंत्रा इनसाइडर, तो मुझे दो टू डेज अर्ली एक्सेस मिल जाता है कोई भी सेल स्टार्ट होता है। तो आप भी बहुत सारा शॉप करते होंगे, तो आप भी डेफिनेटली मिंत्रा इनसाइडर होंगे और आपको भी हो जाता होगा। सो मुझे जो सारे बैंगल्स थे रिसीव हो चुके हैं, ये हमारा टोटल पैकेट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो, और हम ये निकाल देते हैं। हमारा पहला बैंगल है ये, दिस इज फ्रॉम वैनी ब्रांड, और ये बहुत प्यारा है। आई मीन मुझे कुछ ऐसा चाहिए था, कुछ ऐसे कुछ डिफरेंट डिजाइन, जैसे उनको पेयर अप करके मैं पूरा अपना सेट बनाऊंगी। तो मैंने काफी सारे बैंगल्स ऑर्डर कर लिए हैं, एंड दिस इज थोड़ा सा हैवी, इतना हैवी नहीं है कि आपको हैवी अभी फील हो, बट ये ऐसे बिल्कुल भी हल्का नहीं है। तो मुझे इसकी ये चीज थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। काफी सारे लोग ऐसे चाहिए था कि दिखने में चीज अच्छी लगा, पहने बहुत लाइट वेट हो, लेकिन जब तक मुझे जैसे जैसे चाहिए, जैसे मुझे थोड़ा सा हैवी चाहिए था, एंड दिस इज थोड़ा सा, नॉट दैट मच कि आपको बहुत हैवी लगेगा। तो जब मुझे वैसा प्रोडक्ट रिसीव नहीं होता ना, देन आई एम लाइक कि मुझे वो फील नहीं आता है, मैं वाइब नहीं ले पाती हूँ। सो मेरे लिए ये चीज ज्यादा अच्छी है कि थोड़ा सा हैवी है, और दिस इज इन वन साइज, सिंगल साइज में है। मेरा साइज 2.6 है, काफी सारे लोग साइज 3 ही आते हैं, 2.4, 2.6, 2.8, मैक्सिमम लोगों का साइज 2.6 होता है। कि इसका जो पहनने का वे है, मैंने इसलिए पहन लिया कि मुझे आ गया। अगर आपका ये जो सेक्शन है ये हटते हैं, कई लोगों की यू नो थोड़ी सी हेल्थ मोटी होती है या थोड़ी सी ब्रॉड होती है, तो वो प्रॉपर अंदर नहीं जा पाता। बैंगल्स का जो मेन सेक्शन होता है वो अटकता है, वो यही वाली हटी होती है। सो इसका जो ये इसमें ये भी आया हुआ है, और हम इसको खोल के देखते हैं खुल रहा है या नहीं। बाप रे, ये तो बहुत टाइट है। तो ओपन करने का ऑप्शन है, तो आप पहन सकते हो इसको ऐसे भी। मैं इसको नहीं खोल पा रही हूँ, बट ये ऐसा इसका एप्लीकेशन है कि आप लोग खोल के ओपन कर सकते हो। सो आई एम नॉट श्योर हाउ यू गोना यूज इट, बट मुझे परफेक्टली आ रहा है, तो मैं इसको पहन सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं खोल पा रही हूँ इसको। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। थोड़ी सी कलाइयाँ बना रही, मुझे ऑक्सीडाइज चूड़ियाँ, वाओ शाम वाले तो इन्वेंट भी करने लगी, क्योंकि हम कॉमेडी कम करते हैं मालूम पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रॉम टोक्यो टॉकीज, और तो हम ओपन करते हैं। ये पूरा पेयर है, और इसका पैकिंग भी काफी सही आया है, इसका पैकेजिंग बहुत सही आया है, एंड दिस इज सुपर ब्यूटीफुल। इफ यू कैन सी, यहाँ देवी माँ बनी हुई है बीच में, एक साइड एक एक नग है, देन एक देवी माँ, तो ऑल्टरनेट उसका ऐसा डिजाइन बना हुआ, बहुत प्रिटी लग रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो 2.6, मेरा साइज वो वन साइज था, फ्री साइज, दिस साइज इज इसका साइज दिया हुआ था, तो मैंने 2.6 मंगाया हुआ है। लेट मी चेक इसका और साइज अवेलेबल है क्या। 2.4, 2.6, 2.8 तीनों दिया हुआ है, तो दिस इज लुकिंग वेरी वेरी मच प्रिटी। ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है, दिस इज परफेक्ट, लिटरली परफेक्ट। सो बिल्कुल भी जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि अरे कौन पहने, अरे बहुत हैवी है, या थोड़ा भी हैवी है तो कौन पहने, नहीं आपके लिए, ये आपके लिए है बिल्कुल। और जो लोग हैवी पहन लेते हैं ना, तो वैसे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आउटफिट के साथ मैच हो रहा है, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कितना प्यारा लग रहा है ना। सो हम बढ़ते हैं अगले बैंगल की तरफ। नेक्स्ट जो है दैट इज फ्रॉम अदितीय कलेक्शन से है नेक्स्ट हमारा बैंगल। इसके साइड पेचिंग भी कुछ ऐसा आया है, तो ये मिल गया हमको, जो हम मिल रहे थे। सो ये है इसका साइज, वन साइज है ये, ऐसे खुल रहा है, ऐसे वो भी खुल जाता, मैं मुझे शायद हॉर्लिक्स पीने का ज्यादा जरूरत है। अगर आपके पास बहुत अच्छे डोलिश हो गए तो आप कर सकते हो। तो ये खुल रहा है, 60 ग्राम का ये, 60 ग्राम का है ये बैंगल, तो मुझे बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा है, खुल गया। जो डिजाइन था वो यहाँ से बिल्कुल प्लेन था, इनके साइज में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं इसको पहले बंद कर लूँ। तो दिस इज सुपर ब्यूटीफुल, और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, हम आपको दोनों का कंपेयर करके दिखाते हैं। सो ये है डिफरेंस, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये बिल्कुल इस पर डिजाइन सॉलिड फॉर्म में है, हॉलो वाले डिजाइन में है, इस पर डिजाइन बना हुआ है, खिड़कियां बनी हुई है, पुराने जमाने की जो खिड़की होती थी ना पत्थर वाली, कुछ वैसा डिजाइन है इसका। सो इसका मटेरियल है ब्रास, वेट है 60 ग्राम, स्टोन टाइप है, आर्टिफिशियल स्टोन और सिल्वर की फिटिंग हो रही है इस पर, एंड द वेट इज आई हैव टोल्ड यू, तो कैरी करने लायक है, इतना हैवी भी नहीं है, एंड या आई जस्ट लव द डिजाइन, बहुत प्यारा लग रहा है। सो नेक्स्ट जो है दैट इज फ्रॉम फिदा ब्रांड से है नेक्स्ट हमारा, सो लेट्स ओपन दिस वन।
इसको लिखा है होममेड इन इंडिया राइट। ये सबसे सस्ता था, इसका जो वेट है दैट इज ऑल्सो मुझे लग रहा है 60-70 ग्राम ही होगा, लेट मी चेक। ओके इसका साइज जो है दैट इज ऑल्सो 2.6, यानी कि ये भी हमारा 2.4, 2.6 और 2.8 में अवेलेबल है। और ये जो है नहीं, ये 2.4 में अवेलेबल नहीं है, ये 2.6 और 2.8 में अवेलेबल है। इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, मटेरियल दिस इज अलॉय, इसका मटेरियल जो है वो अलॉय। वेट इसका दिया नहीं है बट आई बिलीव, मैंने आपको लास्ट एंगल दिखाया था उसी के बराबर लग रहा है मुझे, कुछ 60 ग्राम्स के अप्रोक्स आसपास होगा इसमें। और पहन के बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा है, बट दिस इज सुपर ब्यूटीफुल, कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज लुकिंग। मेरे हाथ इतने पतले और इतने फ्लेक्सिबल है, ऐसा लग रहा है कि टूट ना जाए। सो ये सिंगल पीस ही आया है एंड या दिस इज दी। सो हम नेक्स्ट वाला अपना डब्बा खोलते हैं और इसमें से निकालते हैं, देखते हैं कितने पेयर हैं। दो डब्बे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो है वो है हमारे कैरेट कार्ड जो भी बोलते हैं आप बोल लीजिएगा, इतने तो पढ़े लिखे हो आप यार, बोल लीजिएगा कैरेट कार्ड से। सो ये इसका पैकिंग कुछ ऐसा आया है, ये पेयर है तो एक साइड ही रखा हुआ है, दूसरी साइड ये रखा हुआ है। ये देखने में मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था, मैं उतना ज्यादा खुश नहीं हूँ इससे जैसा मुझे रिसीव हुआ है। ये इसी में पड़े पड़े इसका एक ही निकल भी गया, ठीक इसका ये एक निकल भी गया और इसमें भी खुल जा सिप सिप वाला आया हुआ है ये खोलने के लिए। आई कैन इजिली वियर इट लाइक दिस, मतलब ये बहुत प्यारा लग रहा है। दिस इज बिट हैवी मैन, लेट मी चेक द वेट। इसका वेट नहीं दिया हुआ है बट दिस इज बिट हैवी। तो इसका क्लीनिंग प्रोसेस है कि आप सॉफ्ट ब्रश या फिर ज्वेलरी जो क्लीनिंग सॉल्यूशन आता है उसमें डिप करके आप कीजिएगा। तो मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा है क्योंकि एक तो ये दो बैंगल भी हैं। तो लेट मी डिवाइड द वेट और अब चेक करती हूँ कैसा लग रहा है। दिस इज बिट हैवी मैन। तो जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं हैवी ज्वेलरी नहीं कैरी कर सकती या मेरे हाथ दुख जाते हैं, मेरी सिस्टर ऐसी है जिसको ऐसा फील होता है, तो डोंट बाय दिस। एंड वैसे भी ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। इसका डिजाइन मुझे बहुत प्यारा लगा, इसमें चुड़िया बनी हुई है, चिड़िया बनी हुई है, बर्ड। हाँ इसमें एक पर्ल लगा हुआ है बीच में, जैसे होता है ना कटोरी उसके ऊपर फूल लगा के रख देते, वैसा कुछ डिजाइन है, छोटी सी कटोरी, बहुत प्रिटी है। एंड टेंटेड है, ये है हमारा लास्ट पेयर और इसको भी हम जल्दी से फटाफट से रिव्यू कर देते हैं। सो दिस इज एज आई मेंशन पेयर और ये भी क्राफ्ट कार्ड करेट कार्ड से ये। एंड इसका भी साइज 2.6 है, तो हम देख लेते हैं ये क्या क्या अवेलेबल है। एंड ऑल्सो वी आर अगेन सॉरी क्योंकि ये फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, एंड क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है तो इसका साइज नहीं दिया हुआ है। 2.6 मैंने बाय किया है और इसमें भी ऑलमोस्ट सारे बैंगल्स में एक्सेप्ट दिस वन, क्योंकि इसका डिजाइन ऐसा है, सब में ये ओपन करके पहनने वाला सिस्टम आया है, क्योंकि ये थोड़े नो अलॉय वगैरह मटेरियल ऐसा है कि फंस जाती है चीज़ें, थोड़ी बहुत जंग लग जाती है। सो मेरे हाथ में इजीली आ रहा है तो आई डोंट हैव एनी टेंशन कि कैसे आएगा। सो ये भी बहुत प्रिटी लग रहा है, इसका मटेरियल है अलॉय सिल्वर प्लेटेड एंड यस इसका डिजाइन बहुत प्यारा है। इफ यू सी थोड़ा सा पास से उस पर अलग ऐसा वो थोड़ी सी जैसे कुछ बनाते नहीं है मंडाला वगैरह पेंटिंग में, वो डिप 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 पॉइंट रखते थे, वैसा कुछ सर्कल पर बड़े बड़े डिप 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 पॉइंट रखे हुए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिव्यू और मुझे बहुत प्रिटी लग रहा है, मैं आपको सारे एक साथ पहन के दिखाती हूँ। ये है हमारा लास्ट पेयर, ये कहीं रखा था, मुझे अचानक से याद आया कुछ तो मिसिंग है, मैंने कुछ तो और भी मंगाया था। एंड दिस वन इज वन ऑफ माई फेवरेट, मुझे चाहिए ही चाहिए था, मतलब ये मैंने बहुत अरमानों से खरीदा और मुझे चाहिए था। वाह उसमें सब कुछ इसी पर लिखा है, मैं उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो इसका डाया है 6.2 सेंटीमीटर डायामीटर और साइज उसको दिया नहीं है। जस्ट सी द ब्यूटी, ये मुझे चाहिए था और वाह ये भी आ गया मुझे। हाँ ये आप इसको ऐसे ऊपर से ओपन कर सकते हो। अगेन हम फिर से मजदूरी चालू करते हैं कि शायद आ गया हमको। ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, कैन यू सी इसके ऊपर जो यहाँ पर डिजाइन है ना सेंटर में, वो हाथी वाला है, दोनों साइड से हाथी आ रहा है, उसकी सूट आपस में मिक्स हुई है, उसके बीच में उसने वो स्क्रू लगाया हुआ है। एंड कैन यू सी द ब्यूटी, ये ऊपर से नीचे जब आया है ना तो ये बहुत थिन हो गया है, सी ऊपर से मोटा है और नीचे से थिन हो गया है। मुझे ये बहुत प्रिटी लग रहा है, दिस वन इज माई पर्सनली फेवरेट, मैंने बहुत अरमानों से मंगाया था। ये सिंगल साइज है, दिस इज वन साइज, तो ऑब्वियसली आपका कुछ भी साइज वो सिंगल साइज ही है। अगेन इसका वेट दिया नहीं है बट ये उतना हैवी तो नहीं है, आई
कैन से कि वियरेबल है, इतना हैवी नहीं है, बट स्टिल जो लोग ऐसा लगता है कौन पहने, तो उसका मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, दैट इज अप टू यू गाइस। अपना बोझ खुद को ही उठाना पड़ता है। अगर आपका शौक है कि आप ये पहनो वो पहनो, तो बोझ तो उठाना पड़ेगा। सो या मैं सब कुछ पहन के दिखा दूँ कैसा लग रहा है। मेरा ये हैंड ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ ऐसा ही पेयर बनाना था, इसीलिए मैंने इतने सारे बैंगल्स ऑर्डर किए थे। और सो आज का वीडियो यही एंड होता है, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।